हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है गेहूं के आटे और आलू से बनने वाला बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है। हमें आटे को ना ही बहुत नरम गूंदना है और ना ही बहुत सख्त। आप देख सकते हैं मैंने आटा गूंद लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल के 4-5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से गूंदेंगे। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए आटा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने आलू लिया है, इसको मैंने उबाल लिया है और छिलका भी छील लिया है। अब हम इसको हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। अब हम चलते हैं आलू मसाला बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। जैसे ही पैन गरम हो जाएगा हम इसमें करी पत्ता और थोड़ी सी राई डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है। अब हमें प्याज को थोड़ा नरम होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम इसमें नूडल्स मसाला डाल देंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें क्रश किया हुआ आलू डाल देंगे। आलू को इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके हम 1 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसालों की जो कच्ची स्मेल होती है वो चली जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे पूरा ठंडा होने तक हम इसको छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे हमारा आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे लोइयाँ बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इतना सा आटा लिया है, उसकी एक लोई बनाई है। इसी तरह हम सारे लोई बना के रख लेंगे। इसे बनाने के लिए आपको इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बेलन की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने हाथों से ही इसको बड़ा करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे आलू मसाले को जो हमने बना के रखा हुआ था। अब हम इसको हाथों की मदद से ही सारे किनारों को मिला के हम इसे प्रेस करना है। थोड़ा सा भी आलू का मसाला बाहर नहीं आने देना चाहिए। अब हम इसे हाथों से प्रेस कर लेंगे। इसे बेलन से नहीं बेलना है। आप देख सकते हैं मैंने बना के रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हम इसको शालो फ्राई करेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब धीरे धीरे इसको पलटते रहें और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं या फिर लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। अगर आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में बना के देंगे तो लंच बॉक्स कभी वापस नहीं आएगा। इस तरह से आपके बच्चे भी खुश और आप भी खुश। अगर आपको मेरी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।